हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम जा रहे हैं लुटरू महादेव। तो ये हिमाचल में अर्की में पड़ता है। तो आज जब कभी भी अर्की आओ तो प्लीज़ लुटरू मुटरू महादेव के दर्शन जरूर करना। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये हम जा रहे थे यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है ना, तो सड़क से भी आप आ सकते हो, गाड़ी में आ सकते हो, पैदल आ सकते हो। तो हम पहुंचने वाले मंदिर, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को पूरा देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और चलते हैं महादेव के दर्शन करने। तो हम जल्दी इसलिए जा रहे थे कि दिन को जो ओम है नमः 9-10 बजे शिवाय। के बाद तो लाइन लगनी शुरू हो जाती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है। तो बहाने से ही होता है, जो शिवरात्रि को सभी लोग आते हैं शिव के दर्शन करने। तो हम इधर रहते हैं नज़दीक ही, पर नहीं जाया जाता, तो शिवरात्रि को तो हम ज़रूर ही जाते हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा मंदिर है, हाइट पे है, तो करवाते हैं आपको दर्शन। तो ये जो रास्ता था ना, तो हमारे घर से जो था ना, बहुत शॉर्टकट था। तो हम यहाँ से आए, सड़क के रास्ते से भी आप लोग आ सकते हो। तो यहाँ पर तो देखिए स्टॉल लगा रखे हैं, जैसे फलहार वगैरह का होता है ना, जो व्रत में खाई जाती चीज़ें, उनका प्रसाद बांट रहे हैं लोग। तो वापसी में लेंगे, अभी हम चलते हैं मंदिर। तो सुबह ऐसा लग रहा था जैसे ठंडा मौसम है, पर अभी इस टाइम तो हमें बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि चलकर भी लग रही है थोड़ी सी। तो पहुंचने वाले हम, बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि गाड़ियाँ बहुत सारी थी, काफ़ी रश था, तो लाइन तो बहुत लंबी लग चुकी थी जिस टाइम हम पहुँचे। तो जब हम हाइट पे पहुंचते हैं ना, तो बहुत ही प्यारा व्यू दिखा देता है यहाँ से। तो यहाँ से जो है ना, आपको पूरा अर्की दिखाई देगा। तो पहुंच चुके हैं हम मंदिर। तो हमने देखा कि लाइन लग चुकी है, सबसे पहले दर्शन करते हैं। तो वहाँ पर जो है ना, पानी सब कुछ वो लोग देते हैं चढ़ाने के लिए, पर आपका भी मन होता है कि कुछ हम अपने घर से ले जाएं और शिव जी को चढ़ाएं। तो मैंने तो सिर्फ फूल लाए थे, तो जल्दी जल्दी दर्शन करने पड़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत लाइन लगी होती है। सिंदूर में इधर थोड़ा सा डाल, उसमें था, डब्बी में था। जो भी शिव भक्त थे ना, तो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, जैसे लाइन लगा रहे थे, तो जल्दी जल्दी कैसे निकालना है उनको, और पानी का गिलास दे रहे थे भर के, और वो शिव पे चढ़ाना है हमें। और बहुत कम टाइम मिलता है यहाँ पे, पर हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। तो ये गुरु जी हैं,
तो यहाँ पे शिव के दर्शन करने के लिए आप लोग, बहुत ही प्यारा मंदिर सजाया था, तो यहाँ पे मन कर रहा था कि यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाए, पर भाई भक्तों की भीड़ में बहुत थी, इतना टाइम नहीं मिलता आज के दिन। फिर भी हमने कोशिश की है कि आपको मंदिर के दर्शन करवाए, और महाशिवरात्रि के दिन तो यहाँ पर जो है उनकी समाधि है। कृपाल भारती, श्री श्री कृपाल भारती जो 108वें गुरु हैं, तो इनकी समाधि है यहाँ पे। दर्शन करते हैं, बहुत से लोगों की आस्था जुड़ी है उनसे, तो अर्की के बहुत लोग उनको बहुत मानते हैं, हमेशा मानते रहेंगे। तो कोरोना महामारी के चलते हमने इन्हें खो दिया है, तो वो हर पल यहाँ पे, तो हमेशा ही जहाँ भी हम लोग रहेंगे हमारी यादों में रहेंगे। तो यहाँ पर जो था प्रसाद बंट रहा था, तो लोग अच्छे से लाइन में आ रहे थे, और सबसे जो होता है वो होता है महादेव का घूटा, तो घूटा पीने लोग दूर दूर से आते हैं। तो वो अर्की में जितने भी शिव मंदिर है ना, तो वहाँ पे आपको जरूर मिलेगा। और यहाँ जो भी बनता है ना व्रत की चीज़ें, जो आप व्रत में खा सकते हो, फलहार मिलता है ना, तो वो ही चीज़ें बनी होती है। तो सच में देखकर लग रहा था कि जैसे बारात में आते हैं ना, तो शिव और पार्वती की शादी, और सभी बाराती सेवा की जा रही है, बहुत अच्छे से देख रेख की जाती है, खाना पीना सबका ध्यान रखा जाता है, तो हम सब बाराती हैं। तो यहाँ पे लोग सब बहुत इंजॉय कर रहे थे, कोई फोटो खिंचवा रहा था, भोग का प्रसाद जो है लिए। तो यहाँ पे मुझे बोल रहे थे कि जब तू गई थी ना, तब बोल के गई थी कि दर्शन कर लूंगी। पे गई गई थी, बोल के गई थी, माता जी दर्शन करके देंगे, दर्शन करो तो कर ले कुछ दक्षिणा। तो पहले तो मैं डर रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, महादेव के भक्त ऐसे थोड़ी ना बन जाते हैं। जय भोले, जय भोले।
Thank you.